दुनिया भर में ऐसी अनगिनत दरवाजे हैं जो दशकों या सदियों से नहीं खुला है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों लगता है कि आजकल आप कोई भी दरवाजे आसानी से खोल सकते हैं जो आप चाहते हैं। सच्चाई यह है कि कुछ दरवाजे कुछ समय के लिए सील कर दिए गए, यह गंभीर कारण रहा है। अभी तक किसी को पता नहीं चल सका है कि वह कौन से खजाने और रहस्य को छिपाए हुए हैं। आज हम ऐसे ही दरवाजे के बारे में बात करेंगे जो कभी नहीं खुला। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ताजमहल। भारत में ताजमहल दुनिया की सबसे प्राचीन इमारतों में से एक है, जिसे शाहजहां ने इसका निर्माण शुरू किया था 1631 में अपनी तीसरी पत्नी की स्मारक सम्मान करने के लिए बनवाया था, जिसे वह बहुत प्यार करता था। 19 साल तक एक साथ रहे, लेकिन अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय उनकी मृत्यु हो गई। जी हाँ, 14वें बच्चे। शाहजहां ने अपने जीवन के प्यार को खोने से तबाह हो गया था और एक शानदार मकबरे का निर्माण करके उसे स्मारक समृद्धि बनाने का निर्णय लिया। इस भव्य स्मारक के निर्माण को पूरा करने में लगभग 1000 हाथी, 20000 आदमी और 20 साल का लंबा समय लगा। महल का डिजाइन बहुत ही अजीब है। ताजमहल के 130 टन ऊंचे मीनार एक विशाल मंच के किनारों पर खड़ी हुई बहुत सुंदर लगता है, लेकिन इस तरह के प्लेसमेंट का मुख्य उद्देश्य सौंदर्यता के लिए नहीं था। 17वीं शताब्दी में बहुत सारे विशाल वास्तु शिल्पकला निर्माण अपने वजन के तहत ढह गए। यही कारण है कि ताजमहल के मुख्य वास्तुकार ने टावरों को मकबरे से दूर रखा, और इसके अलावा उन्होंने उन्हें इस तरह झुकाया कि अगर वह गिरे तो इसके मलबा ताजमहल के बाकी हिस्सों को नुकसान न पहुँचाए। शस्त्र प्रेम स्मारक होने के अलावा ताजमहल एक बहुत ही सुंदर रहस्यमय जगह है। इसमें कई सीलबंद कमरे हैं जहां किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। कुछ तस्वीरें नदी के किनारे से लिया गया है। आप महल के अंदर के कुछ कमरों की तहखाने की दो प्रत्यक्ष देख सकते हैं और दो पठार भी देख सकते हैं। उन्हें सुरक्षित रूप से सील कर दिया गया है। इसके बारे में कई सिद्धांत है कि कमरे शाहजहां के समय से ही बंद क्यों थे और तब से बंद क्यों है। कुछ शोधकर्ता निश्चित हैं कि सीलबंद कक्ष संगमरमर से बने हुए हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आने पर कैल्शियम कार्बोनेट में बदल सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप संगमरमर उखड़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए कक्षाओं को सील कर दिया गया है और लोगों की नज़रों से दूर रखा गया है। इन कमरों में ऐसा है कि उसके ऊपर कोई भी इन्वेस्टमेंट यदि अधिक हो तो कार्बन डाइऑक्साइड तहखाने में चला जा सकता है। इससे ताजमहल के किनारे वाले 4 टावर ढह सकते हैं, लेकिन यह केवल संभावित में से एक है। एक और धारणा यह भी है कि ताजमहल में शाहजहां के पत्नी को दफनाया गया था। जो लोग इस सिद्धांत को समर्थन करते हैं, उन्हें ताजमहल पर यकीन है कि उनका शरीर अभी भी महल के तहखाने में उसी अवस्था में सुरक्षित है जिस समय उसकी मृत्यु हुई थी।